कुक एट होम में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला सोया चाप। इसे घर में बनाएं और रोटी के साथ एंजॉय करें, टिफ़िन में लेकर जाएं। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने पैन लिया है, पैन में थोड़ा सा तेल डाला है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 8-10 कलियां लहसुन कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची। इसे हम भूनेंगे। इसी में हम डाल रहे हैं टमाटर, 3 मीडियम साइज कटे हुए। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसको पीसना है। टमाटर को तब तक भूनें जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाएं, और उसके बाद ठंडा करने पर इसे पीसेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल और ये सोया चाप को हम इसमें कट करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये सोया चाप की जो स्टिक हैं इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे सारी स्टिक हमने निकाल ली हैं। अब इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। एक सोया चाप के 4 या 6 पीस बन सकते हैं, जितने आपको इसको रखना है, जितने बड़े टुकड़े काटने हैं उतने बड़े टुकड़े आप काट लीजिए। अब ये तेल गरम हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा इसे पहले फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये 2-3 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है सोया चाप टुकड़ों को। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर हम डाल रहे हैं इसमें 3-4 काली मिर्च के दाने, लौंग और थोड़ी सी ये दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा। एक डाल रहे हैं तेज पत्ता। अब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज कटे हुए प्याज, जिसे बहुत बारीक चॉप कर लिया था। अब इसे भूनेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। हिलाते रहिए जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये प्याज जो हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ मसाला, ये टमाटर, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो पिसा हुआ मसाला है वो हम डालेंगे। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1/2 चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया और नमक एज़ पर टेस्ट। 5 मिनट इसे हम भूनेंगे। अब ये मसाला जो है भुन चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसके अंदर डाला है। अब इस मसाले को हम मिक्स कर देंगे सोया चाप में। अब ये जो सोया चाप है इस पे हमने ये मसाला मिक्स करना है। ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। जितना पानी आप डालना चाहते हैं, जितनी ग्रेवी थिक करनी है उतनी आप कर लीजिए। और इसमें पानी डालने के बाद हमने कुछ देर इसे
पकाना है। ताकि सोया चाप में सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाए। और इस स्टेज पर आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। अब इसे हम ढककर 5 मिनट कुक करेंगे। ये अब सोया चाप जो हैं तैयार हो चुकी हैं, मसाला सोया चाप। अब ये रेडी टू सर्व हैं। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा धनिया। ये देखिए, डिलीशियस सोया चाप बनकर तैयार हैं। इसे जो है वो चपाती के साथ आप सर्व करें, एंजॉय करें। ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।